मैगजीन्स लाए, खाली हाथ चले आए। देखो सरिता, मैगजीन्स खाने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती है। तो करती क्या होती सारी मैगजीन्स? अचार डालती हूँ। कैसी बातें करते हो? पढ़ती हूँ और क्या करती हूँ? कल तुम्हारे लिए 50 रुपए की मैगजीन्स लेकर आया था, सब चट कर गई तुम। देखो, मेरे लिए खर्चा करो तो हिसाब मत समझाया करो। नाउ डोंट चेंज द टॉपिक सरिता। अगर तुम्हारी यही स्पीड रही तो ये मैगजीन वाले कितनी और मैगजीन्स छापेंगे। सरिता, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, और मेरे जैसा आदमी कितनी और मैगजीन्स खरीद कर देगा तुम्हें? पता है मैं घर में बैठे बैठे कितनी बोर हो जाती हूँ। तो टेलीफोन लगाकर सहेलियों से बात कर लिया करो। मुझे किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर स्वेटर बुनो, अचार डालो, पापड़ बनाओ, दैट्स ऑल। ये सब है घर में, खाते तो है नहीं, अचार डालो। तुम कोई सोशल वर्क क्यों नहीं करती हो? सोशल वर्क क्या किस्तों में मिलने वाली मशीन है जो ले आए बाजार से और करने लगे? यू आर अ प्रॉब्लम सरिता। इसीलिए हमारे पुरखे पढ़ी लिखी लड़कियों से शादियां नहीं किया करते थे। वो खुद भी कम गवार नहीं होते थे। उन्हें कम से कम रोज बीबी के लिए मैगजीन्स तो नहीं खरीद के लानी पड़ती थी? अरे निकलती नहीं थी तो लाते कैसे? भैया, तुमसे बहस में जीतना मुश्किल है। कोशिश क्यों करते हो, एक बार मेहमान क्यों नहीं जाते? सुन, तुम अपना टाइम गवाने के लिए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए वो टीवी 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 देखो। तुम क्या समझते हो मैं वो सब करती नहीं, मैं टीवी नहीं देखती? तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस सब के बावजूद मैं अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। मुझे कुछ एक्टिविटी चाहिए। आई वॉन्ट अ चेंज, कुछ नया अलग चाहिए जिंदगी में। क्या चाहिए जिंदगी में? कुछ भी, लेकिन चाहिए। देखो सरिता, यही घर है, यही नौकरी है, यही ड्राइंग रूम, यही किचन, मैं और तुम, तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही सुबह होगी, ऐसे ही शाम होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लेता हूँ। नहीं, मैं लेती हूँ, कुछ काम मुझे भी करने दीजिए। हेलो, हाय, मेरा ही फोन है। अच्छा अच्छा, कहिए, इतने दिनों के बाद हमारी याद कैसे आई? कहाँ थी इतने दिन? छुट्टी पर गई थी, आज ही लौटी हूँ। तुम लोगों को छुट्टी मिल जाती है तो रोज अखबार कैसे निकलता है? बस निकल जाता है। कहाँ गई थी, घर या सैर सपाटे करने? घर गई थी, मेरी सिस्टर अपने पति को तलाक दे रही है, इसी मामले में जाना पड़ा। क्यों? अरे कई बार जिंदगी इतनी बोर हो जाती है कि तलाक के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहता। उस बेचारे की जिंदगी में कुछ रह नहीं गया था, उसने सोचा क्यों ना हमेशा के लिए छुट्टी पा लूं। ठीक है, जब औरत के चारों ओर एक शून्य सा हो जाए, उसके पास कुछ करने को ना रह जाए, उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना रह जाए, तो अच्छा यही है कि वो तलाक लेकर इस सारे जंजाल से छुटकारा पा ले। मेरी बहन का मामला बड़े चक्कर का था। जो भी हो, औरत कब तक सहन करती रहे, उसका भी जीवन है। वो इस दुनिया में केवल रोटियां बेलने, घर सजाने के लिए नहीं आई है। क्या बात है भाई? उसका भी जीवन है, वो भी जीना चाहती है। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि क्या आप तलाक की समस्या पर एक लेख लिख कर दे सकती है? तलाक ना, कोई 600 शब्दों का आप दे सकती है? सोचती तो हूँ लेकिन दे नहीं पाती। आप चाहे तो दे सकती है, प्लीज। हाँ, अगर कोई मुझे बढ़ावा दे तो मैं ये काम कर सकती हूँ। यू सी, मुझे तलाक के कानूनों का पता नहीं, अगर कोई मेरी मदद करे तो मैं ये काम कर सकती हूँ। अरे हाँ, मेरी तो एक फ्रेंड है जो लॉयर है, वो मेरी मदद कर सकती है। ए सरता, ए क्या बात कर रही हो, तलाक कैसा तलाक भाई? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए, कुछ 8-10 दिनों में। मैं आज ही अपने फ्रेंड को फोन कर देती हूँ। कौन कौन से कारण पर तलाक मिल सकता है पहले वो तो पता कर लूं, फिर सोचूंगी। सरिता,
मैं बहुत बोर हो रही हूँ, ये तूने अच्छा बताया। अब समझो हो ही जाएगा, एक बात जो मैं तय कर लेती हूँ समझो हो ही जाती है। बाय बाय। सरिता क्या है ये, तुम तलाक की बातें क्यों कर रही हो? क्यों नहीं हो सकती, तलाक नहीं होते दुनिया में। नहीं, लेकिन तुम बहुत सेंटिमेंटल हो, मूडी हो, तुम भावनाओं में बह जाती हो। मैं बिल्कुल नहीं बहती, भगवान ने अक्ल दी है मुझे, अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। सरिता तुम्हें क्या हो गया है, तुम तलाक लेने का सोचने लगी हो, मैं इमेजिन तक नहीं कर सकता था। तुम अपने ऑफिस का काम करो ना, मैं क्या सोचती हूँ, मुझ पे क्या बीतती है, उसे तुम्हें क्या मतलब। कहाँ जा रही हो? पड़ोस में फोन करने। क्यों, तुम्हारे घर पे फोन नहीं है क्या? मुझे तलाक के बारे में वकील से लंबी बातें करनी है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो और तुम मुझसे कह रही हो तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हो? मैं आ रही हूँ ना। अब पड़ोसियों के यहाँ जाकर मुझे बदनाम मत करो, जो करना है यहाँ से फोन करो। चलो प्लीज। मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। समझना चाहोगे तो भी नहीं समझोगे। हेलो रचना। हाय, मैं सरिता बोल रही हूँ, कैसी है तू? अरे मैं तुझे मिलना चाहती हूँ तलाक के बारे में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पति को तलाक देने की नौबत आ जाए तो किन किन कारणों पर दिया जा सकता है, कानून क्या है, तरीके क्या हैं। मैं तुझे कल आकर मिलती हूँ। और हाँ, अगर इस विषय पर कोई किताब है तो मुझे दे देना। अरे भाई तू तो तलाक की एक्सपर्ट है, तू मेरी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मैं कल आके डिटेल्स बताऊंगी। ओके बाय। सुनो सरिता, देखो मुझे नहीं लगता है कि नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि बात तलाक तक पहुंचे। हम बैठकर बातें कर सकते हैं ओपन माइंड से। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। सरिता। हेलो, यस यस मिस्टर गुप्ता, फरमाइए। रामलाल एंड सन्स की फाइलें अभी देख लूं, कल सुबह चाहिए आपको? मिस्टर गुप्ता आप लोग मुझे समझते क्या है, जरखरीद गुलाम, मैं नौकर हूं आपका। सारा दिन कंपनी की नौकरी बजाने के बाद अब घर लौटा हूं, 10 मिनट भी रिलैक्स नहीं कर सकता कि आपको फाइलें याद आ गई? शर्म नहीं आती आपको? आपकी कंपनी की वजह से मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह गई है। जी 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 समझ रहा हूं, और आपको भी समझा देना चाहता हूं कि अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो मैं आपकी कंपनी की नौकरी नहीं कर पाऊंगा। 24 घंटे की गुलामी की वजह से आज नौबत यहां तक आ पहुंची है कि मेरी बीवी मुझे तलाक देने जा रही है। जी हां मिस्टर गुप्ता, आपकी कंपनी के साथ लॉयल्टी करने का ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है मुझे। समझते हैं ना गुप्ता, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यू हैव कंप्लीटली रुइंड माय लाइफ। भाग में गई आपकी नौकरी और भाग में गई वो फाइल, दैट्स ऑल यू अंडरस्टूड? हेलो हेलो, हाँ मम्मा मम्मा, मैं मन्नू बोल रहा हूँ। मम्मा मम्मा आप फौरन आ जाइए यहाँ पर, आप बहुत कुछ बात हो गई है। मम्मा मम्मा मुझे सरिता तलाक देने जा रही है, आप फौरन आ जाइए। आप मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, मम्मा मैं पागल हो जाऊँगा। अगर आपको इस घर को टूटने से बचाना, मम्मा फौरन आ जाइए, आप आ जाओ फौरन। अरे माँ, जीते रहो बेटा। कैसे आई? अरे क्या आई बेटा, 1000 रुपए तो लग गए आने में और 1000 ठुक जाएगा जाने में। अरे 50 रुपए तो टैक्सी वाले ने ही ले लिए, कहने लगा सामान के अलग से लूंगा, पर मैंने भी कहा कि सामान के तो नहीं दूंगी, अब इतने से सामान के क्या पैसे देने हुए। बेटा मेरी पानी की बोतल ये। चलो ठीक है, पिछली बार मेरी 10 रुपए की बोतल रह गई थी टैक्सी में। सरिता कहाँ है? वकील के घर गई है। लो अब वकीलों के खर्चे भी होने लगे इस घर में, सारा रुपया तो यूं ही चला जाता है। सरिता टैक्सी में गई होगी वकील के यहाँ? नहीं पैदल गई है। तब ठीक है, अरे इन बड़े शहरों में आधी कमाई तो रिक्शा और टैक्सी में ही चली जावे है।
बहू अच्छी है, बचत से काम लेवे है, बस तू ही झगड़ा कर रहे है उससे। माँ मैंने उससे कोई झगड़ा नहीं किया। तो फिर काहे को ले रही है तलाक? पता नहीं माँ, एक दिन मुझसे बोली कि मुझे जिंदगी से ऊब हो रही है, मेरे चारों तरफ शून्य सा घिर गया है, और फिर टेलीफोन करके अपनी सहेलियों से सटर पटर करके पूछने लगी कि अगर कोई स्त्री तलाक लेना चाहे तो उसके क्या नियम कायदे हैं। मेरे चारों तरफ शून्य सा घिर गया। अब ये कोई वजह होती है तलाक लेने की? शून्य से क्यों घिर गया है? तू उसे घर का खर्चा देवे है कि अपने ही पास रखे है? कुछ अपने पास रखता हूँ, कुछ उसे देता हूँ। अरे पर हाथ खर्चा देवे है कि नहीं? भाई जब जरूरत होती है तो मांग लेती है मुझसे। बस यही तो गलती कर रहा है तू। बेटा औरत घर की लक्ष्मी होवे है, तू अपनी पूरी तनख्वाह लाकर उसके हाथ पर नहीं रखेगा, उसे हाथ खर्चा नहीं देगा तो उस बेचारी के आसपास शून्य तो घिरेगा ही। ठीक ही कह रही है वो। माँ मैं अपनी सारी तनख्वाह उसके कदमों पे लाकर रख दिया करूंगा, जहाँ शून्य घिराए वहां हजारों रुपए घेर दूंगा, बस तुम मेरा तलाक रुकवा दो। मंजूर हो जाएगा? अरे ऐसे कैसे मंजूर हो जाएगा, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करके लाया हूँ, हाई कोर्ट तक जाऊंगा सरिता, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। बात सुन रही हो? सुनिए क्या कहती है। अरे माँ जी आप कब आई? बस बहू बेटे से मिलने का मन किया, आ गई। इसके लिए बचत कैसी? आप बैठिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय बाद में आ जाएगी बहू, पहले मेरी बात सुन। कहिए। देख बहू ये तो है बेवकूफ, पर तू तो सियानी है, मुझे इतना बता अगर तेरे चारों तरफ शून्य घिर गया था तो तू मुझे लिखती, मुझे फोन कर देती, मैं तुझे मनी ऑर्डर कर देती, 1000-2000 का ड्राफ्ट भिजवा देती, पर इसमें तलाक देने की क्या बात है? मैं तलाक दे रही हूँ? मैं समझी नहीं। इसी ने टेलीफोन पर कहा मुझे कि सरिता मुझे तलाक दे रही है, मैंने सोचा जब एसटीडी का खर्चा कर रहा है तो बात सच्ची ही होगी। माँ आपको देखकर ये बात बदल रही है, अपनी वकील फ्रेंड से मिलने क्यों गई थी और अभी जब घर में घुसी तो कितने खुश होकर कह रही थी मंजूर हो जाएगा मंजूर हो जाएगा। भाई 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 भाई। अरे मैंने जो लेख लिख कर दिया है तलाक पर वो मंजूर हो जाएगा। क्या तुमने लेख लिखा है तलाक पे? हाँ। क्यों लिखा? इस घर में तलाक की बात होनी ही नहीं चाहिए। माँ मुझे 500 रुपए दे रहे हैं उस लेख के लिए। एक लेख लिखने की 500 रुपए? क्यों रे मन्नू, एक तो बहू 4 पैसे कमाने का जुगाड़ करे उस पर तू अलग डाले, मेरे तो 2000 रुपए चले गए ना आने जाने में खाम खा। चल बहू से माफी मांग। उसको तो कुछ कहती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ माफी मांग। अच्छा अच्छा अच्छा।